अपने जैसा फिट बंदा भी अगर इतना उसको त्रास है तो नॉर्मल के लिए क्या रहे। वी आर इन बॉम्बे एंड राइडिंग द RD 350 हाई टॉर्क मॉडल, वो 29 BHP, तो उससे 10 BHP ज्यादा ही है। What a crazy machine, आवाज सुनो। सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज स्पीड लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। गाइज आज का वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं लेके आया है यामाहा RD 350, इंडियन RD 350 विच इज कन्वर्टेड फुली एंड अपग्रेडेड टू अ US spec RD 350। RD 400 के डिस सेटअप है, RD 400 का एग्जॉस्ट है, वन किक स्टार्ट, hear the sound, mad and पीछे भी इसमें RD 400 जो US spec वाला आता है उसके अंदर पीछे डिस्क आता है, लेकिन ये UK वर्जन वाला इंपोर्ट किया गया है, तो इसमें ड्रम सेटअप अपने को देखने मिलता है। US spec का कंसोल है इसके अंदर एंड US spec के कार्ब्स है इसके अंदर, अंदर गियरबॉक्स इसका RD 400 का है, बहुत कुछ क्रेजी है इसके अंदर। सो सबसे पहला मैं आप लोगों को सुनाता है इसका आवाज़ एंड टर्निंग ऑन द इंजन। तो पहले अपन इसको डालेंगे न्यूट्रल में, न्यूट्रल में है, बीच में है ना, ओके। जस्ट हियर द साउंड, अभी गाड़ी थोड़ा सा ठंडा है इसलिए बंद हो जा रहा है। वेट तो फील हो रहा है, वेट फील हो रहा है, फ्यूल लग रहा है। चलो तो ये है अपने योना भाई, हु ओन्स दिस ब्यूटीफुल मशीन। भाई साहब ये गाड़ी सिर्फ उठ रहा है, तो यहाँ से जाएगा स्ट्रेट, यहाँ से जाएगा स्ट्रेट, पहला ब्रिज के नीचे से यहाँ से जैसे स्ट्रेट जाएगा, हाईवे का जैसे फ्लावर आएगा, फ्लावर के नीचे से यूटर्न मारेगा, स्ट्रेट आएगा, इधर आएगा, फिर इधर फ्लावर आएगा, फ्लावर के नीचे से ओके। चलो चलो ये थोड़ा सा अपने को क्लच का आदत नहीं है ना इसके लिए। शिफ्टिंग टू फर्स्ट, वाइजर डाउन, भाई साहब व्हाट अ क्रेजी मशीन, आवाज सुनो। Oh my god, भाई साहब जो बेस है आवाज में, crazy, crazy, crazy,
तो गाइस ये बाइक के अंदर आता है RD 350 का इंजन है, बट इसके अंदर अपने को गेयर बॉक्स जो मिलता है वो है RD 400 का। एंड ये फ्रॉम कंपनी ऐसा नहीं आता है, योना भाई ने बनाया हुआ है इसको ऐसा। एंड ये भाई साहब बहुत ही क्रेजी मशीन है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोरेटर है वो भी US spec वाले है। एंड भाई मीटर भी आप लोग देखो, पूरा फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है सब कुछ। एंड सिर्फ RD 350 लेना एंड उसके अंदर ये सब पार्ट सोर्स करके लगाना इज वन हेल ऑफ अ टास्क, बट वी आर इन बॉम्बे एंड राइडिंग द RD 350। एंड ऐसा वैसा RD नहीं भाई, बहुत ही क्रेजी RD है ये भाई, ये ड्रीम है, ड्रीम सीरियसली गाइस। इस बाइक को सिर्फ गैरेज में रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। ओ देख रहे हैं कैसा उड़ रहा है गाड़ी। एंड द साउंड मैन, दिस इज द सेकेंड गियर, कैसा उड़ रहा है गाड़ी। भाई मजा आ गया। दिस इज अ ड्रीम मैन, दिस इज अ फ्रिकिंग ड्रीम। लगता है RC बेचना पड़ेगा। You need balls to ride this thing, man. ये गाड़ी उड़ता है literally. Gear miss हो गया. ये थोड़ा सा 2 strokes में रहता है ये fuck-up. मेरा 5th gear 6th gear में हो रहा है ये। इसका क्लच मेरे को थोड़ा सा हेवियर साइड पे लग रहा है, एंड थ्रॉटल को भी थोड़ा सा देने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है, बट ठीक है, एक बार आप लोग यूज्ड टू हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। एंड भाई गाड़ी तो बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन और एक चीज़ जो नोट करने का है वो ये है कि मेरे गाड़ी में भी RD का ही, RX 100 में RD का हैंडल लगा हुआ है, बट ये भी RD का ओरिजिनल RD है, ओरिजिनल हैंडल है इसके अंदर, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये मनूवर करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये जो ट्रैफिक में आप लोग अभी देख रहे हैं, थोड़ा सा हाथ को जरा मेहनत लग रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस बाइक। भाई क्लच इसका बहुत हैवी है, बहुत वर्कआउट हो जाएगा। आई कैन राइड दिस थिंग ऑल डे, मतलब मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि ये बाइक को एक 100-200 किलोमीटर का राइड पे लेके गया तो क्या मज़ा आने वाला है ये बाइक पे, मैं सिर्फ सोच रहा है। ट्रैफिक के लिए ये बाइक नहीं बनाया बिल्कुल भी, ये मैं आप लोगों को बता देगा। क्लच दबाते दबाते इतने डिस्टेंस में मेरा हालत ख़राब हो गया। नेक्स्ट लेवल, पिछले बार से ज़्यादा क्रेजी चल रहा है ये टाइम, लेकिन क्लच को अभी भी उतना मेहनत लग रहा है। क्लच बहुत बहुत मेहनत लग रहा है, मतलब अपने जैसा फिट बंदा भी अगर इतना उसको त्रास है तो नॉर्मल के लिए क्या रहे। ये उंगली से हो जाएगा। हाँ वही है गाइस,
आदत लगता है अपने को इस पर। क्या रिस्पॉन्स है यार, मतलब वर्ड्स नहीं है भाई मेरे पास बताने के लिए, ये चीज ऐसा है। सो गाइस, दैट वॉज द RD 350 वन ड्रीम। सीरियसली गाइस, ये ड्रीम है, ड्रीम। एंड क्या बोलूँ, वर्ड्स कम है अपने पास ये गाड़ी को बताने के लिए। मतलब सिर्फ लोग सोचेंगे 350cc है, 39 BHP है। यस गाइस, ये US spec वर्जन 39 BHP का होता है, एंड जो इंडियन स्पेक RD होता है HT मॉडल, हाई टॉर्क मॉडल, वो 29 BHP होता है, उससे 10 BHP ज़्यादा ही है। तो सोचो क्या लेवल का पावर है इसके अंदर, एंड 2-stroke का पावर नेक्स्ट लेवल रहता है। एंड भाई, ये गाड़ी को मैंने बॉम्बे में चलाया था, उसके बाद मैं जाके आज चला रहा है, सेम फीलिंग है आपके, क्या बोलूँ, मतलब दिमाग खुल जाएगा आपका ये गाड़ी चला के। सो अगर आप लोग ने बाकी वीडियोस नहीं देखा है योना भाई के साथ में, हम लोग ने ऊपर आई बटन पे अभी वीडियो आ रहा रहेगा, उस पर पूरा बताया है गाड़ी के बारे में कि क्या है इसके अंदर स्पेशल, एंड ये इंडियन मॉडल से पूरा US spec में कैसा कन्वर्ट किया गया है। सो जाके वो वाला वीडियो भी देखो, उसके बाद में अगर आप लोग ने ये वीडियो देख ही लिया तो अभी वो वाला वीडियो भी जाके देख ही लो। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसा और वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए अपने चैनल पर, बहुत ही क्रेजी कॉन्टेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, goodbye, take care and peace guys, I'll see you in the next one।